गाजियाबाद नगर निगम चुनाव में निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 77 से सुमित्रा शर्मा से नेशनल इंडिया न्यूज की खास बातचीत। नेशनल इंडिया न्यूज के आज है वार्ड नंबर 77 में हमारे साथ है सौमित्र मिश्रा जी, निर्दलीय प्रत्याशी। 11 तारीख को गाजियाबाद में निकाय चुनाव है सर, नेशनल इंडिया न्यूज आपका स्वागत है मिश्रा जी। सर सबसे पहले आपका मैनिफेस्टो बताइए और क्यों आपके लिए वोट करें ये बताएं। यहाँ हमारा मैनिफेस्टो में हमारी जो प्राथमिकता है, पहला है कि गंगा वाटर, साफ गंगा जल मुहैया करवाना है। यहाँ पे छोटी सी बरसात हो जाए तो गंगा वाटर में गटर का पानी मिक्स हो जाता है, बदबू मारता है, वो पीने लायक है नहीं। तो हमें गंगा वाटर पाइपलाइन को ठीक करेंगे, नया पाइपलाइन बिछाएंगे, अब लोगों को साफ गंगा जल मुहैया करवाएंगे। दूसरा है यहाँ पे जितने पार्कों हैं हमारी वार्ड में, वो बहुत ही बदहाल है उनके, तो पार्कों की पुनरुद्धार किया जाएगा, वहाँ पे ओपन बीम लगवाया जाएगा। पार्क जो है एक दो को छोड़ के सभी पार्क शाम होते ही नशेड़ियों की अड्डा बन जाता है। उसका कारण है कि वहाँ पार्क बैठने लायक है नहीं, पब्लिक जाते नहीं, इसीलिए नशेड़ियों की अड्डा, असामाजिक तत्वों की अड्डा बन जाता है। अगर पार्क का पुनरुद्धार किया जाएगा, पब्लिक जाएंगे, तो ये काम धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। बाकी हम प्रशासन की मदद लेके इसको किया जाएगा। तीसरा है आपका वैशाली सेक्टर 4 में बंदरों की आतंक चरम सीमा पर है, हमें वैशाली सेक्टर 4 को बंदरों की आतंक से मुक्त करना होगा। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र चौराहे पर, अलग अलग चौराहे पर CCTV कैमरा लगवाया जाएगा। सड़कों की हालत, जगह जगह गड्ढा बना हुआ है, पिछले 5 साल हो गया है, 5 साल में एक भी सड़क नहीं बनी है, ना कहीं पे मरम्मत हुई है। कागज़ कलम में तो सब कुछ हुआ है, कागज़ कलम में सब कुछ हुआ है, सब कुछ खा गए, लेकिन एक भी सड़क में एक मुट्ठी कहीं पे कुछ नहीं गिरा है, ना कोई काम हुआ है। सड़कों का सुधार किया जाएगा। सीवर सिस्टम हमेशा जाम रहता है, जब देखो जरा सा बारिश हो जाए सीवर सिस्टम आपका ओवरफ्लो होता है, गंदा पानी सड़क पे निकलता है, जगह जगह बारिश हो ना हो तब भी सीवर सिस्टम जो है आपका सीवर लाइन ओवरफ्लो होता है, तो सीवर लाइन का साफ कराया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार किया जाएगा। जो स्ट्रीट लाइट है, एक बार बत्ती खराब हो जाए 3-3 महीना 4-4 महीने सिस्टम में सुधार किया जाएगा। जो स्ट्रीट लाइट है, एक बार बत्ती खराब हो जाए 3-3 महीना 4-4 महीना अंधेरा रहता है, तो इसलिए उसको ठीक किया जाएगा। ये डार्क स्पॉट जो होता है उसी पे ही सारा क्राइम होती है, समाजवादी पार्टी ने उन्होंने बोला कि कचरा और जो है बिखराई काफी बड़ा मुद्दा है। UP CM योगी आदित्यनाथ जी ने भी काफी प्रचार किया, 30 स्मार्ट सिटी के बारे में कहा, मायावती जी, राजनाथ सिंह जी वगैरह ने वोट किया PSP के लिए, वो प्रचार करी मायावती जी और फर्स्ट राउंड में योगी आदित्यनाथ जी ने। आपको क्या लगता है सर, अभी किस तरह का कैंपेन रहा और क्राइम और जो कचरा गार्बेज का जो समस्या, इसके बारे में क्या सरकार करी, क्या करना है? हम निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हमारा इलेक्शन एजेंडा सिर्फ और सिर्फ लोकल मुद्दा को लेकर है। यहाँ पर हम नगर निगम की चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद पद के लिए, नगर निगम के दायरे में रहकर जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, बुनियादी सेवाएं जो नगर निगम प्रोवाइड करता है, उन चीज़ों पे हम काम करेंगे। हमें इलेक्शन प्रचार होता है, हम नेता आएंगे, बड़े बड़े पार्टी के बड़े बड़े लीडर आएंगे, वो कुछ कुछ बोलेंगे, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमारी क्षेत्र वार्ड 77 जिसमें वैशाली सेक्टर 4 और वैशाली सेक्टर 3 ब्लॉक आता है, वहाँ पे हमारी फोकस है कैसे साफ गंगा जल मुहैया करना, सड़कों की मरम्मत करना, पार्कों की पुनरुद्धार करना, नगर निगम की सारे सुविधाएं लोगों को इजी वे में कैसे फैसिलिटेट किया जाए, सारी सुविधाएं लोगों तक, लोग तक पब्लिक के पास पहुंचे, ये हमारी लक्ष्य है। ये बताइए कि आपने इस बार चुनाव प्रचार किस तरह से किया, जैसे पब्लिक मीटिंग्स किया आपने, हमने देखा, और किस तरह से कुछ सोशल मीडिया कैंपेन किया, क्या किया?
हमारा कोशिश था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, उन्हें बताए कि कैसे पिछले 10 साल में हमारी वार्ड का विकास के नाम पे ठप हो गया है और इसे नज़रअंदाज किया गया है। पिछले 10 साल में हमारी वार्ड को नज़रअंदाज किया गया है, तो इसलिए हमारी कोशिश हमेशा यही रहा कि हम लोगों तक पहुँचे, लोगों को अपने बारे में बताए। जैसे कि मैं एक पत्रकार हूँ, पिछले 30 साल से मैं पत्रकारिता करता हूँ। यहाँ की अलग अलग संस्थाओं के साथ, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं और एक कार्यक्रम में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हैं, लीड किए हैं। तो उन्हें अपने बारे में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं और एक कार्यक्रम में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हैं, लीड किए हैं। तो उन्हें अपने बारे में बताना, हमने पिछले दिनों में क्या क्या काम किया है उसके बारे में लोगों को बताना, और लोगों को ये बताना कि हम अगर लोगों की आशीर्वाद मिले तो हम आगे चल के क्या कर सकते हैं, ये हम डोर टू डोर घूमें और लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये थे हमारे साथ सौमित्र मिश्रा जी, वार्ड नंबर 77 गाजियाबाद के निर्दलीय उम्मीदवार। सौमित्र जी, नेशनल इंडिया न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। खबरें जारी रहेंगी नेशनल इंडिया न्यूज़ पे, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।